सर आज जनपद में कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं तथा आज विप्रो हॉस्पिटल में कोविड जांच की गई है उसमें कितने लोग? देखिए, आज जनपद सहारनपुर में कुल 97 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 97 लोगों में से 38 लोग विब्रॉस हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं और इस संबंध में अभी फिलहाल जो है 48 घंटे के लिए पूरा हॉस्पिटल खाली कराया जा रहा है और उसको विसंक्रमित करके इस संबंध में फर्दर क्या एक्शन किया जाना है इसके संबंध में हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ पिछले 7 दिनों में जो भी लोग, चाहे वो पेशेंट्स चाहे और भी विजिटर्स जो भी हॉस्पिटल में आए हैं, उनको हम लोग हॉस्पिटल प्रशासन की मदद से उनको ट्रैक कर रहे हैं, उनकी सूचना प्राप्त कर रहे हैं और उन सभी लोगों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग कराई जाएगी। इसके सिवाय वहाँ पर अभी आज चूँकि केवल एंटीजन टेस्टिंग किया गया था, जो लोग एंटीजन टेस्ट में जो पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं उनको भी हम आरटीपीसीआर टेस्ट एक बार उनका कराएंगे ताकि ये निश्चित रहे कि मतलब वास्तव में जो लोग एंटीजन टेस्ट में जो है नेगेटिव पाए गए हैं वो लोग वास्तव में नेगेटिव हैं। देखिए, पिछले दिनों में जो है इधर मास्क और 2 गज की दूरी जो कोरोना के संक्रमण के को रोकने के लिए आवश्यक है, इसके प्रति लोगों में लापरवाही जो है प्रदर्शित हुई है। इसको देखते हुए हम लोगों ने व्यापार मंडल के जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक किया था, उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि कृपया अपने स्तर से भी उनकी दुकानों पर जो लोग आ रहे हैं उनको जागरूक करें और अपने जो उनके कर्मचारी हैं, दुकान के मालिक लोग हैं, वो लोग भी कोविड कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। किंतु इसके समझाने के बावजूद और पर्याप्त चेतावनी देने के बावजूद हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है कि अभी जो अपेक्षित जागरूकता लोगों में आनी चाहिए थी वो नहीं है। इसी को देखते हुए आज जनपद सहारनपुर में खासतौर से शहरी क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रवर्तन की कार्रवाई हम लोगों ने कराई है। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 1100 लोगों के चालान काटे गए हैं और फिर मैं एक बार आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि अभी कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। यद्यपि अभी हम लोगों ने वैक्सीनेशन की कार्रवाई को तेजी से जो है आगे बढ़ाया है, परंतु इस कोरोना की इसकी वैक्सीनेशन की कार्रवाई के साथ साथ जो लोग वैक्सीनेट हो गए हैं उनके लिए भी ये 2 गज की दूरी और मास्क की अभी जो है ज़रूरत है, इसको ये लोग बनाए रखें ताकि हम लोग जो भी उद्योग धंधे और व्यापारिक गतिविधियां हम लोगों ने शुरू की हैं जनपद एक बार फिर से आर्थिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है, तो उसको हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो फिर से पीछे की ओर लौटे। और इसको देखते हुए मैं एक बार पुनः सभी नागरिकों से, सभी व्यापार बंधुओं से ये आग्रह करूंगा कि वो इस कोरोना संक्रमण को रोकने के संबंध में और जो इसको प्रोटोकॉल का पालन कराने के संबंध में लोगों को जागरूक करें और प्रशासन की सहायता करें।